नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। शहर में आम नागरिक को पुलिस विभाग का काफी बुरा अनुभव हुआ है। दरअसल आए दिन ऐसे कई किस्से सामने आते हैं। फिर एक बार ऐसा एक किस्सा सामने आया है जिसके मुताबिक की कांटा रोड पर जयेश पंचाल की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मौजूद है और वहां पर चोरों की ओर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और जयेश पंचाल के पास सबूत के तौर पर इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। ये लेकर जब वो कारेलीबाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, तब पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़े। ऐसे में पुलिस अधिकारियों की कामगिरी पर जयेश पंचाल की ओर से रोष जताया जा रहा है। हूँ जयेश पंचाल, मारी भूमि इलेक्ट्रॉनिक ने शॉप है और मारे त्या छेल्ला गया 16 तारीखे मारा पर्स में 12,000 થી 15,000 રૂપિયા की चोरी थी थी। ये अमे त्या फरियाद भी लखाव गए था, 2-4 દિવસ कशु थू नहीं, लोग कहीं मगज पर लीधु नहीं। पीछे अमे मीडिया सहारो लई अने आज कारेलबाग पुलिस स्टेशन में अने आज रोज अमारी फरियाद ली देवामां आवी छे। अमने ये तो अमने भी खबर नहीं, पण अमे 2-3 વાર धक्का खाधा अमने। पछी कई बीजा बधा रीजन बताया, आजे साहेब नथी, आजे साहेब रजा पर छे, एवी रीते बधा रीजन बताया अने अमारी कोई फरियाद लीधी नथी। सीसीटीवी कैमेरामां देखावे फूटेज आपेली छे, फोटा आपेला छे, बधुं ज आपेलुं छे। त्यां बालकृष्ण साहेब परमार करीने छे અને એક બીજા સાહેબ છે, એમને બધાને ફૂટેજ આપેલી જ છે। પીઆઈ સાહેબ જોડે વાત નથી થઈ, ચૌધરી સાહેબ જોડે અમને વાત થઈ છે, એટલે એમને ફૂટેજને બધું આપેલું છે। એમના ગઈકાલની જ વાત છે, એમને ફૂટેજને બધી આપેલી છે અને આજ રોજ એમને ફરિયાદ લીધેલી છે। હવે તો મને તો એવું લાગ્યું કે અમારી મદદ તો બહુ ઓછી થઈ છે અને મીડિયાનો સાથ હતો એટલે અમને એ દીધી જ, બાકી જે ઓર્ડિનરી બીજા હોત એમના શું થાય, એમનું લગાવું ભલન તો એમનું બધું સારું હતું એમ, પણ એમને અમારી ફરિયાદને એ લીધું નહીં, અમને કોઓપરેટ કોઈ કર્યા નથી અમને 2-4 દિવસ અમને ધક્કા જ ખવડાવે કે તમારે આજે ફરિયાદ લીધી છું અને આજ રોજ અમારી ફરિયાદ નોંધાઈ છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન, બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહેં।